सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको चिकन पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं चिकन पुलाव के इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। सबसे पहले हम चिकन पुलाव के लिए चिकन यखनी बनाएंगे, उसके इन्ग्रीडियंट्स ये है। मैंने 1/2 kg चिकन लिया, 1 दरमियानी छोटी प्याज, लहसुन के 2 या 3 जब्बे, सौंफ 1 चम्मच, नमक हसबे जायका, साबुत सूखा धनिया 1 चम्मच। अब इन मैं तमाम चीजों को पतीली में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज डाली, ये 2 जब्बे मैंने लहसुन के, और सारा चिकन। इसके साथ अब मैं नमक इस्तेमाल करूंगी। ये मैंने प्याज और जो लहसुन है वो मैंने साबुत डाले छिले बगैर, क्योंकि हमने इसका सिर्फ पानी लेना और इनको फेंक देना है। इसके बाद ही हम सौंफ इस्तेमाल करेंगे, साबुत सूखा धनिया, नमक हसबे जायका, वैसे मैंने 1/2 चम्मच लिया। अब इन सबको मैं ढांप कर पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी चिकन की यखनी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसके चावल पकाने की तरफ चलते हैं। ये देखें अब हमारी यखनी पककर तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हम इसके चावल की तैयारी करते हैं। अब हम चावल बनाने लगे हैं, उसके लिए मैंने 1 अदद प्याज को बारीक लच्छेदार काट लिए। आप चाहे थोड़ी सी ज्यादा भी प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही प्याज का इस्तेमाल किया और उसको बारीक काट लिया। इसके बाद नमक मैंने तकरीबन 1/2 चम्मच, आपने हसबे जायका लेना क्योंकि हम यखनी में पहले डाल चुके हैं। इसके बाद 1/2 चम्मच सुर्ख मिर्च और ये 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है। अदरक लहसुन 1 पेस्ट, हम 1 चम्मच इसकी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और साथ में मैंने ये दरमियानी साइज की 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब ये मैंने पतीली में थोड़ा सा ऑयल लिया, तकरीबन ये 1/2 कप ऑयल है, और इसके अंदर हम ये प्याज कटी हुई डाल देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाए। इसके साथ ही हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा इसने प्याज ने कलर चेंज किया है, तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। ऐड करके इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, चिकन वही हमने जो यखनी में से निकाला हुआ। ये देखिए मैंने यखनी में से चिकन को सेपरेट कर लिया ताकि हम इसको अलग से भून लें। अक्सर आपने देखा होगा पुलाव अगर आप खाते हैं लेकिन चिकन की स्मेल नहीं जाती, तो वो इसी वजह से कि भूनते नहीं है। अब हम इस चिकन को अदरक लहसुन वाले मसाले में डालेंगे। ये देखिए मैंने पुलाव के लिए 1.5 ग्लास चावल लिए, ये मेरे चावल पुराने हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आपने उसके हिसाब से पानी डालना है। 1.5 ग्लास चावल ये वाला मैंने ग्लास लिया। अब मैं इसके अंदर 2.5 ग्लास पानी ऐड करूंगी चावल को पकाने के लिए। ये साथ में मैंने इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले, सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक, नमक आपने हसबे जरूरत डालना है इसके अंदर। ये देखें अब ये मसाला भूनकर तैयार हो गया, इसमें मसाला छोड़ दिया गोश्त में। अब इसके बाद हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। अगर आपकी यखनी कम हो तो आप एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखें सेम वही ग्लास, क्योंकि आपके चावलों का हिसाब नहीं सही रहता इसलिए पानी कम या ज्यादा हो जाता है। अब मैं यखनी को भी इसके साथ मैयर कर लूंगी इसी ग्लास में।
ये देखें ये एक ग्लास और ये ऊपर जितना पानी होगा हम ढाई ग्लास जैसे मैंने ऐड करना है तो डेढ़ ग्लास यखनी और एक ग्लास मैं ऊपर से अलग पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड करी एक ग्लास ये जितना मसाला था इसको हम सेपरेट कर लेंगे आधा ग्लास ये डेढ़ ग्लास हो गया और एक ग्लास मैं पानी आम यूज करूँ। अब इसको हम ढाम कर रख देते हैं 5 मिनट तक जब जैसे ये पकेगा हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। एक मिनट ये देखें अब पानी ये पक चुका है तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों का पानी मैंने उतार निकाल लिया ये सारा। अब ये जो थोड़ा सा रह गया आपने मेक श्योर कर लेना कि इसके अंदर ये पानी ना जाए। ये देखें अब आपको एक टिप बता रही हूँ कि इतना आपका ये डिप होगा चम्मच तो ये आपका पानी परफेक्ट इसके अंदर होगा। अब इतना इसके अंदर या इतना आप समझ लें जब पानी इसके अंदर हो तो फिर ये आपके चावल आसानी से पकेंगे और ये जुड़ेंगे नहीं। अब जैसे इसके अंदर से पानी खुश्क होगा हम इसको दम पे लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। ये लास्ट में मैं पुलाव में जर्दा रंग शामिल करूंगी। जर्दा रंग मिक्स करने का तरीका मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब ये मैं चावलों में ऐड करूंगी। ये देखें अब ये पानी सूख गया ऑलमोस्ट इसके अंदर। अब ये मैं जर्दा रंग लूंगी। मैं तरीका फिर भी आपको बता देती हूँ। मैंने एक चुटकी जर्दा रंग और थोड़ा सा दूध इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इसके ऊपर ये डाल और अब मैं इसको ढांक कर दम लगा दूँ। ये मैंने ज़्यादा रंग थोड़ा इसलिए डाला कि क्योंकि सिर्फ इसको कलर देना है हमने। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। ये देखें जी अब इसको दम आ गया हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी अब हमने पुलाव को डिश आउट कर लिया है। हमारा चिकन पुलाव पक कर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। इसको घर पर जरूर ट्राई करें और हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।